की लक्ष्मी। प्रणाम पिताश्री। तो इस अवस्था में रो रही है, क्या हुआ है तुझे पुत्री? पिताश्री। चल घर पर चल, दामाद जी कहाँ हैं? पिताश्री, आपके दामाद ने अकारण ही मेरा त्याग कर दिया है। हाँ? अब श्री मंदिर मेरा घर नहीं रहा। दामाद जी ने तुझे त्याग दिया? क्या कह रही है तू? हाँ पिताश्री, मैं सत्य कह रही हूँ। अच्छा, तेरे इस अपमान का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। वो संभवतः ये भूल रहे हैं कि तू महापराक्रमी रत्नाकर की कन्या है। अभी इसी क्षण संपूर्ण श्री मंदिर को महासमुद्र में विलीन कर दूंगा। नहीं पिताश्री, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं अपने अपमान का प्रतिशोध स्वयं लूंगी। ठीक है पुत्री, जैसी तेरी इच्छा। चल, आज से तू अपने पिता के घर में रहेगी। नहीं पिताश्री, ये भी संभव नहीं होगा। स्वयं आप ही ने तो मुझे शिक्षा दी है कि विवाह के पश्चात ससुराल ही स्त्री का घर होता है, अकारण पिता के घर आना उचित नहीं होगा। यदि मैंने ऐसा किया तो ये संसार मुझसे क्या शिक्षा ग्रहण करेगा? जो भी स्त्री अपने स्वामी के द्वारा प्रताड़ित होगी वो अपने पिता के घर आश्रय लेगी। इसलिए मैं अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं ही लड़ना चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, जिससे मैं इस परीक्षा में सफल हो सकूं। मुझे तुझ पर गर्व है पुत्री, तू इस परीक्षा में अवश्य सफल होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है पुत्री। प्रणाम मातेश्वरी। तुम्हारा कल्याण हो। आदेश कीजिए माता श्री। इस समुद्र तट पर मुझे कुछ दिन विश्राम करने की इच्छा है, अतः क्या आप मेरे लिए श्री मंदिर जैसा ही एक प्रासाद का निर्माण कर सकते हैं? मैं सृष्टि की सृजनकर्ता और पालनहारिणी माता लक्ष्मी के निवास हेतु इस जगत में मैं एक सुंदर सा प्रासाद अवश्य निर्माण करूंगा माता। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। परंतु माता, श्री मंदिर को त्याग करके यहाँ क्यों रहना चाहती है? केवल श्री मंदिर ही लक्ष्मी का स्थान नहीं, जहाँ श्री निवास करेगी वो स्थान ही श्री मंदिर बन जाएगा। यथा आज्ञा मातेश्वरी। आशीर्वाद। जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। अपूर्व, अपूर्व, द्वितीय श्री मंदिर जैसा प्रतीत हो रहा है माते। प्रणाम देवर्षि। मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं था देवर्षि। ये किंतु प्रभु का आपके प्रति घोर अन्याय है माते, घोर अन्याय। सारे के सारे दोष बड़े भाई के सर थोप कर स्वयं सावधानी पूर्वक खिसक जाने का ये अच्छा बहाना है। पर मैं उन्हें इतनी सरलता से नहीं छोड़ने वाली हूँ देवर्षि। मेरे धैर्य की सीमा टूट चुकी है। अब दोनों भाइयों को ये जानना आवश्यक है कि लक्ष्मीहीन होने का परिणाम क्या होता है। नारायण नारायण, पति पत्नी के कलह में मैं सम्मिलित नहीं हो सकता माते। वैसे ही मैं कलह प्रिय के नाम से जाना जाता हूँ। परंतु जो कुछ भी हो, प्रभु के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। समय समय पर आप भी अपने प्रभु की तरह रहस्यमय हो जाते हैं देवर्षि नारद। नारायण नारायण, जय श्री जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी।
इतनी रात हो गई, सोए नहीं? क्या सोच रहे हो? नींद नहीं आ रही है भैया। ओ, समझ गया। लक्ष्मी श्री मंदिर त्याग कर चली गई, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना? ठीक है, तुम चाहो तो अपनी पत्नी के साथ जाकर रह सकते हो, मैं यहाँ प्रसन्न हूँ। आप बार बार मुझे ऐसी बात कहकर क्यों कष्ट देते हैं भैया? यदि पास नहीं रखना चाहते हैं तो स्पष्ट कह दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे जगन, संसार में मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। रात बहुत हो गई है, चल विश्राम करते हैं। चलिए। हमारे लिए क्या आज्ञा है माते? जाओ अष्टबेताल, मेरी आज्ञा से इसी मुहूर्त श्री मंदिर जाकर 52 कोटी भंडार के साथ साथ श्री मंदिर के श्री को भी लुप्त कर दो। जो आज्ञा माते। परंतु प्रभु जी भी तो वहाँ विराजमान होंगे, अगर उनकी निद्रा खुल गई तो? भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसका भी प्रबंध कर दूंगी। हाँ माते। ठीक है माते। तुम जाओ। प्रणाम। प्रणाम माते। प्रणाम। अनायास मुझे याद करने का कारण क्या है माँ? सारे संसार की उलझनों से क्या माँ की निद्रा उड़ गई है? संसार की उलझनों से घर की उलझन अधिक उलझ गई है निद्रा देवी। आदेश कीजिए माता, मुझे क्या करना होगा? आप इसी मुहूर्त श्री मंदिर में जाकर दोनों भाइयों को माया निद्रा में सुला दीजिए, ताकि कल दोपहर से पूर्व उनकी निद्रा ना भंग हो। यथा आज्ञा माता श्री। जगन, अरे ए जगन, अरे उठ ना। नहीं भैया, मुझे बहुत आलस से आ रहा है। अरे श्री मंदिर में कोई कोलाहल नहीं, पंडाओं की भी बोलचाल बंद है, शंख तूरी मृदंग किसी का कोई स्वर नहीं। जगन, अरे जगन, रस्सी वाला खाट। जगन जगन, रत्न पलंग कहाँ गया और हमारे आभूषण? अरे हाँ भैया, श्री मंदिर के सब वस्तुएं गायब, ये माया जादू है या फिर चोरी? अरे हम दोनों तो गहरी नींद में सो रहे थे। हाँ भैया, आज तक मैं ऐसी नींद कभी नहीं सोया, ये मायावी नींद हो सकती है भैया।
आश्चर्य भैया। अरे जगन, हाँ? मुंह धोने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है। हाँ? दास दासी सब किधर गए, कहाँ है सब? भैया चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। चलो चलते भैया, चलिए। अरे ये क्या, भंडार घर खाली, रसोई शाला की भी वही अवस्था। अरे संदूक भी खाली, एक रात में इतनी सारी घटनाएं कैसे घट गई? अब भैया मुझे लगता है लक्ष्मी के हमें छोड़ जाने के बाद से ही तो ये घटनाएं नहीं घट रही हैं। हाँ मुझे पता था तू यही कहेगा। अरे अगर किसी की पत्नी रूठ कर चली जाए या उसे छोड़ कर चली जाए तो उसका पति क्या जीवित नहीं रहता? हम भी दिखा देंगे पत्नी के बिना भी पति जीवित रह सकता है। हाँ ये बात तो ठीक है भैया, पर हम खाएंगे क्या? हा? बिना खाए हम जीवित कैसे रह सकते हैं? अब, यदि चंद्र सूर्य सत्य हैं, दसों दिक्पाल सत्य हैं, यदि मैं सती नारी हूं तो आपको मेरा श्राप है। आप दोनों भाइयों को 12 वर्ष तक अन्न तो अन्न, जल की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। अरे जगन, अरे कुछ मिला या नहीं? 3 दिन से निर्जल उपवास है। अरे ठीक से देख, कुछ तो बचा होगा। अरे तू अकेला ही सब खा गया? तुझे अच्छी तरह से पता है मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी तुझे दया नहीं आई? देखो ऊपर से निर्लज की तरह हंसे जा रहा है, पेटू कहीं का। मुझ पर क्यों कुपित होते हैं भैया? हांडी बर्तन के बीच खाना ढूंढते ढूंढते मेरा शरीर पूरा काला हो गया, पर कुछ नहीं मिला। मुझसे भूख अब सही नहीं जाती भैया। अरे चल और एक बार भंडार घर देखाते हैं, संभव तो कुछ मिल जाए। ठीक है चल। चलिए भैया चलिए। जगन ठीक से देख, कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। आप भी देखिए ना भैया। हाँ हाँ। अरे कुछ है लगता है। अरे क्या हुआ भैया? अरे कुछ खाना मिला? अरे रुक ना। अरे अकेले अकेले भैया। अरे रुक, मैं भी सही देखने दे। अरे भैया जगन। हाँ क्या हुआ भैया? जगन सोने की अंगूठी मिली है। सोने की अंगूठी? हाँ भैया इसे बेच कर कुछ खा पी लेते हैं। चलो चलिए 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 जल्दी चलो। जय हो, जय जगन्नाथ, कृपा करना इस बालक पर, दया रखना। जय माँ महालक्ष्मी, जय माँ। अरे ब्राह्मण देवता, सुबह सुबह लक्ष्मी जी का पूजन किया और आपके दर्शन हुए। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। अच्छा कुछ काम था? महाशय ये सोने की अंगूठी देखकर बताइए इसका हमें क्या मिल सकता है? इसे बेचेंगे क्या? हाँ पर इसका मूल्य उचित मिले तो। हाँ, लगता है आप दोनों बहुत बुद्धिमान हैं। लाओ देखूं तो। लीजिए। ये अंगूठी तुम्हारे बाप दादा के समय की है या तुम दोनों ने अपने परिश्रम से बनवाया है? देखो महाशय, शालीनता से बात करो। क्या मैं शालीनता से बात करूं? तुम दोनों इस जगन्नाथपुरी में कहां से उठकर आए हो? मुझे पीतल की अंगूठी देकर ठगना चाहते हो? क्या कहा आपने, पीतल की अंगूठी? नहीं सोने की अंगूठी। जाओ बेच लो, चोर ठग कहीं के। भैया ये हमको चोर कह रहा है। हाँ बोला तो क्या हुआ, चोर ठग अधर्मी पापी। ए, 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 निकलो निकलो मेरी दुकान से, निकलते हो? अरे सोचा था सुबह सुबह धंधा अच्छा होगा, इन्होंने पूरा दिन चौपट कर दिया। हे जगन्नाथ। नयन तारा, ये चांदनी रात, ये शीतल हवा की झोंके और तुम्हारे हाथ की सुरा मन को मतवाला कर रही। आज की रात तुम केवल मेरे लिए ना, केवल मेरे लिए। नहीं नहीं, नयन तारा नहीं नाचेगी, अगर नाचेगी तो केवल मेरे लिए, क्योंकि नयनतारा का मन
मेरे पास गिरवी है, मेरे पास। पेड़ की छाव और नर्तकी का मन, इन दोनों को भला कभी कोई बांध सका है? सौदागर, धन जहाँ हो मन वही होता है। क्यों नैनतारा? और तुम्हें मना करने वाला ये होता है कौन? कौन होता हूँ मैं? जाना चाहते हो कौन होता हूँ? देखो चलो चलता हूँ। चलो पकड़ो उसको, मारो 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 उसको। तूने इस बार लक्ष्मी पूजा की या नहीं? पूजा कैसे नहीं करती? अरे शुरिया देख तो वहाँ कौन पड़ा है। हाँ पारो चल देखते हैं ये आदमी जीवित भी है या नहीं। अरे ये तो सौदागर है। सौदागर? पानी, जाने कौन मार के छोड़ गया इसे। पानी पानी, आया से मेरा गला सूखा जा रहा है। अरे अरे ये क्या कर रही है श्रिया, हमारे हाथ से पानी पीने से सौदागर की जात नहीं चली जाएगी, फिर से अपमानित होना चाहती है। अधिक से अधिक क्या होगा, हो सकता है राजा हमें मृत्यु दंड दे दे, पर पहले इसे हमें बचाना चाहिए, बाद में जात पात देखेंगे। आ, पकड़ तो सही, ला पानी ला। चल पकड़। तुम श्रिया? मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक, आपको पानी पिलाने के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं था, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं श्रिया, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने मैंने तुम पर कितने अत्याचार किए, पर आज तुमने मेरा जीवन बचाया है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो श्रेया। जगन्नाथ, परिस्थितिवश हमें वेश बदलना ही पड़ा। हाँ भैया, देखते हैं इस वेश में संसार हमें कैसे स्वीकार करता है। भिखारी या भगवान? ये अन्याय केवल तुम पर ही नहीं, समस्त नारी जाति पर हुआ है। देवता होकर एक सामान्य बात पर पत्नी का त्याग करना, अगर ये प्रथा चली तो संसार में पुरुषों द्वारा स्त्री यूं ही लांछित होती रहेगी, मातृत्व का अंत हो जाएगा, नारी जाति का कोई महत्व नहीं रहेगा। तुम ठीक कहती हो बहन, नारी के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करनी ही होगी, नहीं तो पुरुष जाति यूं ही नारी जाति पर अत्याचार करती रहेगी। हाँ, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ प्रभु बारंबार इस तरह के अत्याचार क्यों करते हैं। इस तरह के अन्याय से मुझे बहुत दुख होता है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। क्या तुम्हारे द्वारा कोई कार्य असंभव है सरस्वती? मैं तुम्हारा संकेत समझती हूँ,
तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। यहाँ कुछ मिलेगा, ये मेरा। सुनिए क्या है गंजप्पा, खेलोगे? नहीं नहीं, जोर से भूख लगी है। अरे कुछ खाने को मिलेगा? भूखे हो? ए भूखे हो क्या? लो भांग पी लो, भूख प्यास सब मिट जाएगी। भैया ये क्या कर रहे हो, ये भांग है? अरे ये किसी काम के नहीं है। भैया हाँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, अब तो चलने की भी शक्ति नहीं रही। अरे जगन मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। अरे ओ जगन हाँ, ये तो बड़े पंडे का घर है, चल हम दोनों गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। हाँ, संभवतः वो हमें ब्राह्मण समझकर कुछ खाने को दे दे। हाँ, चल चल हाँ, आराम कर। ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा लगता है जैसे उच्च कोटि के ब्राह्मणगण हमारे द्वार पर आए हैं। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्राह्मण हो किंतु माथे पर तिलक नहीं है, चंदन नहीं है, और ऊपर से वेद पाठ कर रहे हो। अरे कैसे ब्राह्मण हो, चलो भागो यहाँ से, चलो। अरे तुम लोगों को भिक्षा देने से हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्मी छली कहीं के, चलो भागो यहाँ से। अरे जाते हो यहाँ से, यहाँ लगाओ दो हाथ, चलो अंदर चलो। जगन वो बड़े पंडे की मति भ्रष्ट हो गई है क्या? उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे मालूम है भैया, हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार होता ही रहेगा। जब देखो वही रट, लक्ष्मी हमें छोड़कर चली गई, इसीलिए ये सब हो रहा है। नहीं भैया, मैं कह रहा था बड़े पंडे तो देवता और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, पता नहीं आज उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। अच्छा अच्छा ठीक है चल। भैया तीव्र भूख लगी है, चलने की भी शक्ति नहीं है। अरे जगन तनिक धैर्य तो धरो, आगे चलो, खाना अवश्य मिलेगा। हाँ चले। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर। भैया श्लोक पाठ से कुछ मिलने वाला नहीं है, मुंह खोलकर मांगना पड़ेगा। हाँ अब माँ 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 भूखे पेट घूम घाम के आपके द्वार पर आए हैं, माँ दया करो माँ। माँ 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 क्या बात है बेटा, खाने को कुछ दो माँ, बहुत दिनों से भूखे हैं माँ। ब्राह्मण अतिथि भाग्य वालों के यहाँ आते हैं। आओ आओ जगन। आओ बैठो बैठो बैठ बैठ, मैं अभी आती हूँ। भैया अरे चुप। आ बेटा लो ये रखो, इसे रखो ले। जा बेटी तू रसोई देख। हाँ माँ जी। हाँ अच्छा बेटा तुम लोग क्या भाई भाई हो? हाँ हम दोनों भाई भाई हैं। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कालिया, ये बलिया, श्री क्षेत्रपुरी निवासी ब्राह्मण है। अरे वाह, जैसा नाम वैसा रूप भी मिला है, पर बेटा तुम्हारा क्या कोई नहीं है? तुम काम धाम क्यों नहीं करते हो? बड़े घर में जन्म हुआ था माँ,
पर आज दुर्भाग्य से द्वार द्वार भटक रहे हैं। हमें यहाँ काम करने में लज्जा आती है और भिक्षा मांगने में संकोच। ये तुम्हारे भाग्य का दोष नहीं है, लक्ष्मीहीन होने से ही ऐसा होता है। अरे बहू, भोजन बन गया क्या? माँ। विश्वव्यापी पवनदेव, आपसे मेरा एक अनुरोध है। अनुरोध कैसा माँ? आदेश कीजिए। दोनों भाइयों को जहाँ भी भोजन मिले उसे तुरंत उड़ा ले जाइए। माता, मैं अपनी शक्ति और पराक्रम से संपूर्ण ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूँ, परंतु माता। पवनदेव, प्रभु जी भूखे रहेंगे तो ही भूख की ज्वाला को समझ पाएंगे। जो आज्ञा माता। बहू, भोजन बन गया क्या? हाँ माँ जी, सब कुछ अच्छी तरह से तैयार हो गया। आपने ना? जैसे कहा था वैसे ही बनाया। अच्छा। है। भैया, हाँ? अब भोजन मिलने वाला है, भर पेट खाएंगे, बहुत आनंद आएगा। अरे पहले भोजन तो आने दे। हाँ बहू जी, तू नींबू मिर्ची ले आ और ये मार ले जाकर बाहर फेंक दे। हाँ माँ जी, जल्दी जा। हे भगवान, ये क्या हो गया? पलक झपकते ही सारा भात उड़ गया। ये सब उन दोनों के कारण हुआ है। लक्ष्मी हीन कहीं के? अरे अभी बताती हूँ उन्हें। कहाँ है वो दोनों बदमाश? काम चोर, लक्ष्मी हीन, तुम्हारे कारण मेरे घर का भात उड़ गया। और कुछ देर रुकोगे मेरी घर की छत भी उड़ जाएगी। निकलो 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 यहाँ से, भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। अरे अरे जगन, जल्दी भागो, और वो सो, और वो सो, अरे भैया, चलो जाओ यहाँ से, जाने अरे भागो भैया, अरे भागो भैया, जाने कहाँ से आ जाते हैं? झाड़ू से तो यशोदा मैया ने भी नहीं मारा था। हाँ, ये गांव अच्छा लगता है। हाँ, ये अच्छा। लाई ले लो, लाई ले लो, लाई। अरे जा बच्चों, मुद्राएं तो लेकर आओ। लाई ले लो, लाई, लाई ले लो, लाई, लाई ले लो, लाई। अरे लाई ले लो भाई। आई, थोड़ी लाई मिलेगी, बहुत दिनों से भूखे हम। आई, हाँ मिलेगी मिलेगी मिलेगी, परंतु हमारे पास तो एक भी मुद्रा नहीं है। अरे नहीं है तो क्या हुआ, मैं बीता हूँ। अरे बेटा, एक निर्धन ही एक निर्धन की भूख समझ सकता है। तुम लोगों की भूख मिटा देने से जगन्नाथ जी मुझ पे दया करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अरे अरे ये क्या हुआ भैया? अरे मेरी लाई कहाँ गई? अरे मैं कंगाल हो गया रे। तुम लोग लक्ष्मीहीन हो, तुम्हारा मुंह देखना पाप है। जाओ भागो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो भागो भैया, भागो। अरे ये क्या हुआ रे? प्रभु जी, अपराध क्षमा करो प्रभु। क्या हुआ पंडित जी? प्रभु जी नहीं विराजे तो फिर क्या भोग नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। नहीं 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 नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। प्रभु जी क्या सचमुच श्री मंदिर छोड़कर चले गए? ये असंभव है, फिर ऐसा दुःस्वप्न क्यों है? हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? आपका स्वप्न निरर्थक नहीं है महाराज, महाप्रभु जगन्नाथ श्री मंदिर में नहीं है। यह आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? महाराज, महामंत्री जी ने ठीक ही कहा है, भोग लगाते समय प्रभु के दर्शन नहीं हुए। तो क्या किया जाए? हे प्रभु, इस राज्य का क्या होगा? क्या
ये उत्कल राज श्रीहीन हो जाएगा। जिस देश में जनता जनार्दन की उपेक्षा हो, साधारण मानव के अधिकार पर लूटपाट हो, वहाँ श्री मंदिर में श्री का न रहना स्वाभाविक है महाराज। क्योंकि श्री मंदिर के श्री जगन्नाथ समस्त मानव जाति के प्रतिनिधि हैं और वो स्वयं मानव अवतार है महाराज। ओ, आप हैं ब्राह्मण। दृष्टता क्षमा हो राजन, परंतु मुझे यहाँ पकड़ लाने का उद्देश्य क्या मैं जान सकता हूँ? आपके विरुद्ध विचार होगा ब्राह्मण। मेरा अपराध क्या है? जहाँ तक मैं जानता हूँ, राजा और राज्य की कभी मैंने उपेक्षा नहीं की। आप पर राजद्रोह का आरोप है ब्राह्मण। अच्छा, तो क्या एक पतित जाति के मन में भगवान की पूजा करने के अधिकार को जगाना राजद्रोह है? यदि देश का राजा विचारहीन हो, उसे चेतावनी देना क्या राजद्रोह है? विचारहीन? संस्कृति के विरुद्ध जाना क्या विचारहीनता नहीं है? संस्कृति कभी निर्दिष्ट विचारों में सीमाबद्ध नहीं होती महाराज। संस्कृति का अर्थ है मानवता। पर आपकी ये विचारधारा समाज को क्या स्वीकार होगी? क्यों नहीं होगी महाराज, अवश्य होगी। क्योंकि ये विचारधारा केवल मेरी नहीं है, ये जाति की, देश की, प्रभु जगन्नाथ की है। जो जगत के नाथ है वे किसी श्रेणी या वर्ग के नहीं है महाराज, बल्कि समग्र विश्व की जाति, धर्म और वर्ग के हैं। तो फिर महाराज, एक तरफ तो आप इस आदर्श की गुप्त हत्या कर रहे हैं और साथ ही देवता और मनुष्य के अंदर आप एक बहुत बड़े अंतर की सृष्टि कर रहे हैं महाराज। ब्राह्मण, आज से तुम राजद्रोह के आरोप में बंदी हो। सेनापति, बनाइए मुझे बंदी महाराज। जो राजा एक विशाल जाति को आजीवन बंदी बना सकता है, ऐसे राजा से और क्या आशा की जा सकती है? व्यर्थ प्रलाप बंद करो ब्राह्मण। महाराज, इस राजद्रोही ब्राह्मण को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ठीक कहा राजपुरोहित जी, इसे दंड अवश्य मिले और वो दंड इसे हम अपने हाथों से देंगे। यही आपका दंड है। ये क्या है राजन? मेरे अंदर की सुप्त चेतना को आपने जागृत किया है। आप साधारण मनुष्य नहीं है, देवता है। आप महान है महाराज। जो राजा एक सामान्य प्रजा के लिए दीपदान कर सकता है, वो वास्तव में उत्कल के शिरोमणि होने के योग्य है। आप इस दीपक को समग्र विश्व में प्रज्वलित कीजिए महाराज, ताकि समस्त मानव जाति ये समझ सके जाति, धर्म और वर्ण की आड़ में हर मनुष्य समान है। गजपति महाराज की जय हो। गजपति महाराज की जय हो। हे सभावृंद, जब तक जगन्नाथ और बलभद्र महाप्रभु श्री मंदिर लौटकर नहीं आ जाते तथा इन पतित जातियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक मैं ये राजमुकुट धारण नहीं करूंगा। महाराज, ये मेरी प्रतिज्ञा है। गजपति महाराज की जय। गजपति महाराज की जय। देखो, तुम्हारे ससुर रत्नाकर भी हम पर शत्रुता निकाल रहे हैं। हाँ भैया, सत्य का जैसी पुत्री वैसा पिता। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? संभाल कर। हे सूर्यदेव, अपने तेज प्रकाश से इतनी भीषण गर्मी उत्पन्न कर दीजिए जिससे पीड़ित होकर दोनों प्रभु त्राही त्राही करें। हे प्रभु जगन्नाथ, क्या सचमुच मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे? मैं अपनी भूल समझ गया हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए,
मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतने बड़े होके बच्चों जैसे रो रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें प्यास लगी है। हाँ, प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है। पानी पियोगे? हाँ, 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 हाँ। प्यास बुझ गई क्या? आत्मा तृप्त हो गई। ये पानी नहीं, अमृत है। ऐसा पानी मैंने जीवन में कभी नहीं पिया था। बेटा, प्रभु जगन्नाथ तेरा भला करे। अच्छा बेटा बोल, तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहता है? तू यहाँ क्या कर रहा है? रुकिए रुकिए, आप इतने सारे प्रश्न एक साथ करेंगे तो उनके उत्तर मैं कैसे दूंगा? मैं एक चरवाहा हूँ, यहाँ अपनी गाय चरा रहा था, आपको ऐसे रोते हुए देखा इसलिए चला आया। अब आप बोलिए, आप कौन है और यहाँ क्यों रो रहे थे? तू समझ नहीं पाएगा बेटा, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैं अपने प्रभु को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो कहीं भी मुझे नहीं मिल रहे। इतने बड़े हो गए हो फिर भी इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए, प्रभु तो आपके पास ही है। क्या कहा? मेरे पास? कहाँ कहाँ है प्रभु? ओहो, तुम्हारे पास मतलब यहाँ वहाँ चारों ओर। माँ तो कहती है प्रभु आ चुका है, फिर तुम किसे ढूंढ रहे हो? इतना छोटा सा बच्चा बड़े ज्ञान की बात कर रहा है, लेकिन प्रभु को तो ढूंढना पड़ता है बेटा, और अभी तक मेरी वो खोज समाप्त नहीं हुई है। मैं जाऊं? ठीक है, जाओ जाओ, मुझे लगता है तुम्हारी खोज शीघ्र समाप्त होने वाली है। तुम्हारी बात सच हो बेटा, अब मैं चलता हूँ। जगन्नाथ तेरा भला करे। थे प्रभु, आप सच कहते थे, आप मेरे पास थे। मैं अभागा आपको पहचान नहीं सका, मैं अभागा आपको पहचान नहीं सका प्रभु। नारायण ना, ये क्या? जगत जननी माँ लक्ष्मी की नैनों में अश्रु? ओ समझा, पर चिंता न करें माते, मुझे लगता है इस बार दोनों भाई अपनी भूल अवश्य मान जाएंगे। बार बार भूल करना जिनका स्वभाव सा हो गया है, उनके लिए मानना न मानना सब समान है देवर्षि। परंतु माते, उन पे क्रोध करके अपने आप को क्यों कष्ट दे रही हैं? और कितने दिन उपवास करेंगी? इस तरह तो पृथ्वी ध्वंस हो जाएगी माते, चारों ओर घोर विपत्ति छा जाएगी। स्वामी और ज्येष्ठ भ्राता श्री जब भूखे प्यासे द्वार द्वार भटक रहे हैं तो मेरा भोजन करना क्या उचित होगा देवर्षि? परंतु जो भी हो, नारी जाति के प्रति उनके मन में जो कुविचार हैं, उसका समुचित प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। जगन, अरे ओ जगन, क्या सोच रहे हो? लक्ष्मी के बारे में सोच रहा था। देखिए ना, हमारी छाया पड़ते ही लाई उड़ जाती है, भात उड़ जाता है। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, लाई उड़ गई तो लक्ष्मी, भात उड़ गया तो लक्ष्मी। लक्ष्मी के कारण तेरी तो मथी भ्रष्ट हो गई है। नारायण नारायण, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री बलभद्र। देवर्षि, आप यहाँ? और एकाएक प्रभु, बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए थे। श्री मंदिर का रत्न सिंहासन भी रिक्त है, माँ लक्ष्मी के भी दर्शन नहीं हुए। ढूंढते ढूंढते आपको यहाँ पाया प्रभु। परंतु प्रभु, ये कौन सी लीला है? स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ, बड़े प्रभु अनंत महाप्रभु, इस साधारण दीनहीन भेष में। नारायण नारायण, जो भी कहिए प्रभु, माँ लक्ष्मी ने ये बहुत ही अन्याय किया है। देवर्षि नारद, लक्ष्मी के प्रसंग के बिना आपको कुछ कहना है? आप तो वैरागी हैं, फिर संसार के रीति नीति के बारे में
आपको क्या पता? बड़े ठाकुर कदाचित मेरे कहने का अर्थ ठीक से नहीं समझे। मैं कह रहा था कि माँ लक्ष्मी के कारण आपकी ये दुर्दशा हुई है। अरे पारिवारिक जीवन में भूल चूक तो होती रहती है, क्या उसके लिए पति और जेठ को श्राप देना क्या उचित है? नारायण नारायण, एक गृहिणी होने के नाते ये उनका अन्याय है प्रभु। देवर्षि नारद, आप अपना और हमारा समय नष्ट कर रहे हैं, आप अब जा सकते हैं। नारायण नारायण। नटखट ये सब तुमने किया है, नटखट ये सब तुमने किया है, बदनाम लेकिन नारद हुआ है, बदनाम लेकिन नारद हुआ है, नटखट ये सब तुमने किया है, नटखट। लक्ष्मी महारानी पूज्य शिरोमणि अन्नदात्री कहलाए, लक्ष्मी महारानी पूज्य शिरोमणि अन्नदात्री कहलाए, छप्पन कोटि प्राणी उनकी दया पे बैठे हैं आस लगाए, उनसे झगड़ने को किसने कहा था, उनसे झगड़ने को किसने कहा था, श्रीहीन हो गए ना। नटखट ये सब तुमने किया है, नटखट ये सब तुमने किया है, बदनाम लेकिन नारद हुआ है, बदनाम लेकिन नारद हुआ है, नटखट ये सब तुमने किया है, नटखट। छप्पन भोग तो हो गए सपने, फिरते हो भूखे प्यासे, छप्पन भोग तो हो गए सपने, फिरते हो भूखे प्यासे, खंडवा दक्षिणी सोनपुरी पट उतर गए हैं तन से, राजपाट छोड़ो किसने कहा था, राजपाट छोड़ो किसने कहा था, निर्धन हो गए ना। नटखट ये सब तुमने किया है, नटखट ये सब तुमने किया है, बदनाम लेकिन नारद हुआ है, बदनाम लेकिन नारद हुआ है, नटखट ये सब तुमने किया है, नटखट। साल से भटक रहे हो पाया न कोई ठिकाना, बारह साल से भटक रहे हो पाया न कोई ठिकाना, सरपुली खा जा सरपुली खा जा, मिष्टान झूठा मिला नहीं है खाना, जिद ने तुम्हारी तुमसे मुरारी, जिद ने तुम्हारी तुमसे मुरारी, रत्न सिंहासन छीना। नटखट ये सब तुमने किया है, नटखट ये सब तुमने किया है, बदनाम लेकिन नारद हुआ है, बदनाम लेकिन नारद हुआ है, नटखट ये सब तुमने किया है, नटखट। जय श्री राम। प्रभु प्रभु प्रणाम। हनुमान तुम यहाँ? ये कैसी माया है प्रभु, आपका कष्ट देखकर मेरा धैर्य समाप्त हो रहा है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आप दोनों भाइयों को दोनों कंधों पर बैठाकर अपने प्रासाद में ले जाऊंगा, आपकी दया से मेरे प्रासाद में अन्नजल का कोई अभाव नहीं है। नहीं हनुमान, विधि के विधान का पालन तो करना ही होगा, हम तुम्हारी भक्ति और सेवा से युगों युगों से संतुष्ट हैं। जाओ हनुमान, उचित समय पर हम तुम्हारा स्मरण करेंगे, जाओ। जैसी आपकी इच्छा महाप्रभु, प्रणाम।
प्रमिला क्या हुआ बताइए। प्रमिला मुझे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। प्रमिला मैं और नहीं सह सकता। देखिए आप ऐसे बच्चों जैसा व्यवहार करेंगे तो कैसे चलेगा। मैं लेप लगा देती हूँ आराम मिलेगा। नहीं प्रमिला रहने दो मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। हे भगवान ऐसी बातें मत कीजिए। आप ऐसी बातें करेंगे तो मेरा क्या होगा। कुछ मेरे बारे में तो सोचिए। प्रमिला मैंने जीवन में बहुत पाप किए। मूर्खों की कमाई को यूं ही उड़ा दिया। मैंने मैंने तुमको भी बहुत कष्ट दिए। क्या तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी। जी आप सो जाइए आपको मेरी सौगंध है। सो जाइए सो जाइए। सो जाऊंगा मुझे तो सोना होगा। सो जाऊंगा। देखिए आप महालक्ष्मी को पुकारिए वो सब ठीक कर देंगी। महालक्ष्मी क्या वो मेरी पुकार सुनेंगी। मैंने तो जीवन भर उनकी अवमानना की है। क्या वो मुझे क्षमा करेंगी। माँ तो माँ होती है बेटे के मन की पुकार को वो कभी अनसुना नहीं कर सकती। मेरी बात मानिए आप एक बार सच्चे मन से माँ को पुकारिए फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। माँ को पुकारिए माँ को पुकारिए। हे माँ लक्ष्मी मुझे क्षमा कर दो। माँ मुझे क्षमा कर दो मुझे क्षमा कर दो। सरकार सरकार सर सरकार खोए हुए जहाज का पता चल चुका है। सरकार एक द्वीप में फंसा हुआ था। कल सुबह सुबह वो सागर किनारे लगने वाला है। देखा देखा आपने माँ ने कैसे अपने बेटे की पुकार सुन ली। हाँ हाँ प्रमिला हे माँ दया मई कृपा मई। बड़ी आश्चर्य की बात है जगन इतनी जगह घूम घूम कर आए परंतु अन्न का एक दाना भी कहीं से नहीं मिला। मिलने की आशा क्या अब भी बाकी है भैया। मेरी तो सब आशा और धैर्य टूट चुके हैं। आपको बहुत भूख लग रही है ना। अरे मेरी बात छोड़ तू तो महापेटू है। 56 प्रकार के भोग भी तुम्हें कम पड़ते हैं। तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है ना। मुझे बहुत प्यास लग रही है। प्यास लग रही है चल चल पहले कहीं पानी पीते हैं। चल चल फिर भोजन की सोचेंगे। हाँ हाँ माँ प्रणाम। भूख से पेट कुलबुला रहा है। मेरे छोटे भाई को भी बहुत प्यास लगी है। अगर थोड़ा सा पानी पिला दोगी तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। माँ मेरा सौभाग्य है कि अतिथि मेरे द्वार आए। आप लोग ठहरिए मैं थोड़े फल लेकर आती हूँ। नहीं भैया थोड़ा सा पानी पिला दो कंठ सूख रहा है। दो भैया। हाँ
आप ब्राह्मण हैं? हाँ माँ, हाँ, दो पानी दो। ना ना, मैं आप ब्राह्मणों को पानी पिलाऊं? ऐसा सौभाग्य मेरा नहीं है। हम ब्राह्मण हैं तो क्या हुआ, तुम इसको पानी पिला दो। माँ, प्रभु की कृपा हम पर है, पर ये समाज हमें आज्ञा नहीं देता। ये पाप मैं नहीं कर सकती प्रभु, मैं अछूत हूँ। जिस जात का मुंह देखना पाप है, उसके हाथ से आप पानी कैसे पिएंगे? तो ठीक है, मैं स्वयं पानी निकालूंगा। नहीं जगन, मत छू, हमारा हाथ लगते ही इस कुएं का भी पानी सूख जाएगा। तो क्या अतिथि मेरे द्वार से ऐसे ही लौट जाएंगे? सेवा का सौभाग्य मुझे नहीं मिलेगा? दुखी मत हो माँ, लक्ष्मी जी की कृपा के बिना सेवा पाने का सौभाग्य हमारा नहीं। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। कल्याण हो। कौन थे ये लोग? पलक झपकते ही अंदर ध्यान हो गए। गोरे काले दो भाई, कहीं वो मेरे प्रभु तो नहीं? ये कैसी माया है प्रभु? महाप्रभु, 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 प्रभु, महाप्रभु, 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 क्या आपने मेरे महाप्रभु को इस मार्ग से जाते हुए देखा है? तुम कौन हो भद्रे, और इस प्रकार व्याकुल होकर किस प्रभु को ढूंढ रही हो? मेरे महाप्रभु को, दोनों ही प्रकट हुए थे, फिर अचानक दोनों ही अदृश्य हो गए। अरे तुम क्या कह रही हो, सच बताओ, तुम कौन हो प्रभु के लिए इतना? मैं एक अभागिन हूँ, मैं एक अछूत हूँ। अछूत? कहीं तुम वो श्रिया तो नहीं हो? हाँ, मैं वही श्रिया। हाँ? वही अभागिन हूँ। तुम बहुत ही पुण्यवती हो बेटी, तुम बहुत पुण्यवती हो, प्रभु ने तुम्हें दर्शन दिए। बुलाओ, बुलाओ ने, तुम्हारी पुकार सुनकर वो फिर से श्री मंदिर में वापस लौट आए। बुलाओ, बुलाओ ने, बुलाओ। प्रभु, महाप्रभु, प्रभु, महाप्रभु। छोटी जात की होकर भी परम भक्ति मती थी। आप किसकी बात कर रहे हैं भैया? उसी अछूत श्रेया की। मेरे विचार में इस प्रकार की नारी के ऊपर कृपा करके बहुरानी ने कुछ भी भूल नहीं की। भैया, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? भक्तों पर कृपा करके ही लक्ष्मी ने कुलधर्म का उल्लंघन किया है और हमारा परित्याग किया है। और अधिक उपहास मत कर जगन, बहुरानी ने हमारा परित्याग नहीं, हमने किया था। जब तक बहुरानी पुनः श्री मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। भैया आप? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। चल चल। देवर्षि, कल मेरे 12 वर्ष के व्रत का उद्यापन है। समस्त देव देवियों को आमंत्रित करने का दायित्व मैं आपको ही सौंपती हूँ। ये तो अति आनंद की बात है माते, वैसे भी बहुत दिन हो गए माता जी के साथ प्रभु जी के दर्शन नहीं हुए हैं। चलो, कल ही ये सौभाग्य मुझे मिल जाएगा। नहीं नहीं देवर्षि, उन दोनों भाइयों को आमंत्रित ना करें, अछूत के हाथों भोजन करने से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसा मत कहिए माते, वो पहले ही बहुत पश्चाताप कर चुके हैं। यदि आपकी बातों में सत्यता है देवर्षि, तो वे स्वयं ही यहाँ आ जाएंगे। जय माँ, जय माँ लक्ष्मी। जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भव तुम्हें। क्या भोजन था, जैसे किसी राजा के घर का। इतना स्वादिष्ट भोजन जब भाग्य में रहता है तभी किसी को मिलता है। हे प्रभु जगन्नाथ, अन्नदाता पर दया रखना, जिससे ऐसा ही भोजन वो सदा देते रहे। क्या खीर थी, क्या खिचड़ी थी, क्या पूरी बालपुआ था, क्या रबड़ी कलाकंद था, क्या लड्डू था। आनंद आ गया, आनंद आ गया। बाबा, ये खाद्य आपको कहाँ से मिला? क्या हमें भी ऐसा स्वादिष्ट खाना मिलेगा? क्या आप लोग भिखारी हो? भिखारी नहीं, अब भूखे भिखारी हैं हम। कई दिनों से
पेट में एक दाना भी नहीं गया। भूख और प्यास से प्राण निकल रहे हैं। अरे अरे, जब ऐसी बात है तो देर मत करो, शीघ्र जाओ। बाबा कहाँ जाएं? ये जो समुद्र के किनारे कुछ दूर आगे जाने के बाद एक प्रासाद है, वहाँ एक दयालु स्त्री रहती है, साक्षात अन्नपूर्णा जैसी। वहाँ जो भी जाता है उसे भरपेट भोजन मिलता है। आप लोग भी वहाँ जाइए। चल चलिए भैया, चलिए, चल चल आइए। लेकिन भाई एक बात याद रखना, माँ लक्ष्मी के समक्ष अपने को समर्पित कर देना। माँ ही अपने बेटों की भूख समझती है। देखना आप लोग कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। जाओ भाई जाओ, शीघ्र जाओ। आइए भैया, चलिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भैया भैया पानी के पास चलिए ना, मेरे पैर जल रहे हैं। अरे पानी छोड़, चला चल चला चल। भैया तनिक रुकिए ना, धूप के मारे मेरे पैर जल रहे हैं और छाले भी पड़ गए हैं। अरे जगन शीघ्र शीघ्र आ जा, नीचे गमछा डाल कर आ जा। आ जल्दी आ जल्दी आ, बस थोड़ी ही दूर है भैया। आ जा आ जा, मुझे पेटू कहते थे पर आज आप तो मुझसे आगे निकल गए। अरे तू भी आ जा जल्दी आ, बस थोड़ी ही दूर है। भैया चमत्कार, क्या छटा है इस प्रासाद की? ये तो श्री मंदिर के जैसा प्रतीत होता है। अरे हाँ रे, आश्चर्य की बात है। परंतु जगन यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं देता। अब भैया, अरे जगन देखो देखो कोई आई है, बोलो ना। आप बोलिए ना। अरे तुम बोलो ना, आप बड़े हैं आप बोलिए ना। अरे देख तू, हमें देखकर क्या खुसर पुसर कर रहे हैं। अरे सखी लगता है खाना खाना चाहते हैं। देखने में तो अच्छे खासे हैं, पर देखने में अच्छे होते नहीं सच्चे। अरे इसी तरह के दो भाइयों ने हमारी मालकिन को कितना अपमानित किया था। हाँ इतने दिनों से नहीं खाया, आज पेट भर के खाऊंगा। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चलो तुम्हारे बनकर मिलेगा। चलो चलो चलो। ये तो मुंह पर द्वार बंद कर चली गई। लगता है यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। भैया आपको जिधर जाना है जाइए भैया, मेरे तो पैर ही नहीं उठ रहे हैं। अरे जगह अंतिम बार प्रयास करते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं। ये लोग हमें ब्राह्मण जानकर कुछ तो भिक्षा देंगे। चलो चलो आरंभ करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकिमेव वंदनात् मृत्युर्मोक्षीयमाम्रतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। मेरा तो उद्धार हो गया। आज प्रभु जी मेरे द्वार पधारे हैं। दासी दासी आदेश करें। देवी मालती वैशाली जाकर ब्राह्मण अतिथियों से पूछो उन्हें क्या चाहिए। जी देवी। और हाँ सुनो। जी। यदि वो भोजन के इच्छुक हो तो उन्हें पूछना, अछूत के घर भोजन करने में उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं। जो आज्ञा देवी। 12 वर्ष की मेरी तपस्या आज पूर्ण होने जा रही है। प्रभु जी बड़े प्रभु जी के साथ आज मेरे द्वार पर उपस्थित हैं। तेरा क्या विचार है जगन? भैया जो करना है शीघ्र कीजिए, भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। ठीक है, अपनी मालकिन से जाकर कहो हम दोनों के लिए सामग्री की व्यवस्था करें। हम दोनों भाई स्वयं अपने हाथों से खाना बनाएं। ठीक है चल रही। भैया अरे खाना पकने तक मेरा धैर्य नहीं रहेगा भैया। अरे तेरी मति मारी गई है क्या? हम क्या अछूतों के घर का अन्न ग्रहण करेंगे? नहीं। अरे खाना बनने में कितना समय लगता है, यूं ही बन जाता है।
भंडार घर से नए बर्तन, अन्न और व्यंजन की सभी सामग्री उन्हें दे आओ। और हाँ, तुम दोनों ब्राह्मणों के आसपास ही रहना, ताकि किसी भी वस्तु की कमी ना रहे। जी महादेवी। दोनों प्रभु यदि अपने हाथों से रसोई पकाएं, तो उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं होगी। फिर इस समाज में कोई भी पुरुष नारी को सम्मान नहीं देगा, नारी की आवश्यकता नहीं रहेगी। भैया, और कितना विलंब होगा? आइए ब्राह्मण देव, भोजन की सब सामग्री प्रस्तुत है, बस आपको अपने हाथों से खाना बनाना है। भैया चलो चलो, जल्दी चलो जल्दी, और कितनी दूर है? ब्राह्मण देव घबराइए नहीं, आपको उचित स्थान पर ही ले जाया जा रहा है। चलो चलो चलो, आइए ब्राह्मण देवता, यहाँ आपकी सारी सामग्री प्रस्तुत है, बस आपको खाना बनाना है और खाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग जाओ, हम लोग खाना बना लेंगे। और सुनो, और कुछ आवश्यकता हुई तो हम तुम्हें बुला लेंगे। हमारी परछाई से भी माला नहीं छूट लग जाएगा। चल रही, चल जगह, अरे शीघ्र कर। यदि तन मन से स्वामी के आदर्श ही मेरे आदर्श हैं, यदि मैं सती नारी हूं, तो हे अग्नि देव, प्रकट मत होना, केवल धुआं ही धुआं फैलाना, ताकि रसोई सिद्ध ना हो। अरे ओ जगह, अरे खाना बना कि नहीं? फूक मार मार कर आंखें अंधिया गई हैं। ये चूल्हा है कि जलता ही नहीं है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। अरे अभी तक तो पानी भी गर्म नहीं हुआ है, खाना कैसे बनेगा? अरे तूने तो सुबह से मुंह भी नहीं धोया, तुझे तो केवल खाने की चिंता रहती है, कभी खाना बनाया भी है? चल उठ यहाँ से, मैं खाना बनाता हूँ। चलो आप कीजिए। क्या भोजन बन गया है ब्राह्मण देव? सुगंधित तेल लगाकर नहा लीजिए। अरे जारी मरी, देखती नहीं दो व्यक्ति कब से बना रहे हैं, पर अब तक खाना नहीं बना। अब तक तो 100 लोगों का खाना बन गया होगा। खाना बनाना नहीं आता, इसमें चूल्हे का क्या दोष? अरे सखी, जिनके कंधे पर लक्ष्मी ना हो वो भला क्या करे। हाँ सखी। मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता भैया, भूख के कारण तो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। और सहा नहीं जाता, जात भले ही जाए पर पहले तो प्राण बचाने होंगे, भोजन तो करना ही होगा। सुनो दासियों। हाँ जी। अपनी मालकिन से जाकर कहो, उनके हाथों से बना भोजन ग्रहण करने में हमें कोई आपत्ति नहीं। भैया, क्या हम अछूत के हाथ का भोजन करेंगे? जीवन बचाने के लिए, छोड़ो उन बातों को। अरे एक भूल के कारण हमारी आज ऐसी दशा हुई है। चलो जगन, चलो चले। देवी देवी, आपके हाथों से बना भोजन उन्हें स्वीकार है। देवी कहते हैं प्राण रक्षा पहले, बाद में जात पात। हाँ देवी ठीक है, तुम उनके स्नान का प्रबंध करो। जो आगे देवी। प्रभु ने बहुत कष्ट पाए हैं, बस अब और नहीं, आज मैं स्वयं भोजन बनाकर उन्हें परोस दूंगी। अरे आनंद आ गया। हरिओम। आनंद आ गया भैया। क्या शीतल जल है। खूब नहा जगन। स्वागतम। आइए ब्राह्मण देव जी, आइए आइए, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। अरे जगन, तुझे सब
ठीक ठाक लग रहा है ना? जो भी कहो भैया, जो अतिथियों की इच्छा अनुसार सेवा करे उससे अच्छा क्या हो सकता है। देखिए ना, पहनने के लिए हमारे प्रिय वस्त्र पाट पीतम्बरी और नीलाम्बरी दिया है। देखते खाने को क्या मिलता है। पर पता नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। बिना जाने पहचाने हमारा इस तरह अंदर आ जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। पर क्यों भैया? देखो ना, इतना मान सम्मान, ये नए वस्त्र, ये अलंकार। हाँ, ये आतिथ्य सत्कार तो मानना पड़ेगा। अरे जगन, यहाँ पर एक भी पुरुष दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है यहाँ पे कोई तंत्र मंत्र हो रहा है। और हम दोनों को बलि देने के लिए यहाँ लाए हैं। अरे हसमत, देख आगे क्या होता है। भैया, लगता है भूख के मारे आपकी मति भ्रष्ट हो गई है। प्रणाम। प्रणाम। आसन ग्रहण कीजिए। प्रणाम। प्रणाम। बैठे भैया। अरे जगन, तुझे तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है ना? देखते हैं क्या होता है। भोजन। ब्राह्मण देव, आप दोनों में ज्येष्ठ कौन है? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं बड़ा हूँ? अरे 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 अरे, अरे इसे हटाओ, ये लाओ। अरे क्यों भैया, वर्षों बाद भरपेट भोजन मिला है तो ठीक कहता है। क्या बताऊं मालकिन, गरम जले जिस प्रकार खा रहे हैं, हमें तो लगता है कि परिवार के दूसरे सदस्यों का भाग भी यही खा जाते होंगे। हाँ मालकिन, ऐसे निर्धन भूखे ब्राह्मण तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। हाँ। चुप, अतिथियों के बारे में ऐसा कहते हैं क्या? भैया, ये भोजन तो हमारे श्री मंदिर के भोजन जैसा ही लग रहा है। हाँ रे, तूने ठीक कहा, मैं भी यही सोच रहा था, ये तो हमारी बहुरानी के हाथों से बने भोजन जैसा ही लग रहा है। रुकिए ब्राह्मण देव, अब भी कुछ शेष है, ये लीजिए हलवा। भैया हलवा? वाह, वही स्वाद। लक्ष्मी बहुरानी भी खाने के बाद ऐसे ही स्वादिष्ट हलवा परोसती थी। समझे जगन, मुझे लगता है ये लक्ष्मी बहुरानी का ही घर है। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है हम लक्ष्मी के घर पहुंच गए हैं। तो फिर देर किस बात की है, बहुत हो गया। लक्ष्मीहीन होने का फल हम बहुत भोग चुके हैं। जगन, तुम तुरंत अंतापुर जाकर बहुरानी को समझा बुझा कर ले आओ, हम सब फिर साथ साथ श्री मंदिर चलते। पर भैया वो तो अछूत। चुप, अछूत मैं कुछ नहीं सुनूंगा, ये तुम्हारे बड़े भाई का आदेश है। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। लक्ष्मी, अगर,
अब इस दासी के पास आने का क्या प्रयोजन है प्रभु? एक बार अछूत कहकर त्याग देने पर अब मेरी क्या आवश्यकता? ये कैसी बातें कर रही हो लक्ष्मी? सांसारिक जीवन में इस तरह के मनमुटाव तो होते ही रहते हैं। छोटी सी बात को मन से लगाकर बैठ जाना, ये कहां तो कुछ थे देवी। छोटी सी बात? आप इसे छोटी सी बात कह रहे हैं प्रभु? एक पत्नी को उसके अधिकारों से वंचित करना, क्या ये छोटी सी बात है? बिना कारण पत्नी को घर से निकाल देना, क्या ये भी छोटी सी बात है? फिर ये संसार हमसे क्या ग्रहण करेगा प्रभु? समाज में पुरुष क्या सदैव ही नारी के अस्तित्व का ऐसे ही हनन करता रहेगा? मैं मानता हूँ देवी, दोष हमारा ही है। बड़े भैया को भी अपनी भूल का पश्चाताप है। ये 12 वर्ष मैंने किस तरह बिताए हैं, क्या इसका अनुमान है आपको? तुम्हारे विरह में हमने भी कम कष्ट नहीं उठाए हैं देवी, परंतु जो हो गया उसे विधाता का निर्णय समझकर स्वीकार करो। चलो लक्ष्मी चलो, तुम्हारे बिना श्रीमंदिर श्रीहीन सा लगता है। ये तो मेरा पहला दोष था, क्या तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी? प्रभु नारायण नारायण, जय श्री जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। असमय आ गया प्रभु, मुझे क्षमा करें, परंतु करता भी क्या, मुझसे रहा ही नहीं गया। 12 वर्ष बाद माता और प्रभु के युगल दर्शन का लाभ जो ले रहा हूँ। नहीं देवर्षि, आप सही समय पर आए हैं। चलिए लक्ष्मी और बड़े भैया को साथ लेकर श्री मंदिर वापस लौट चलते हैं। नहीं प्रभु, श्री मंदिर लौटने से पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? हाँ प्रभु, जब तक श्री मंदिर में जात पात का भेदभाव है, छूत अछूत का भेदभाव है, और जब तक श्री मंदिर में अछूत और ब्राह्मणों को एक साथ बैठकर भोजन करने का अवसर नहीं मिलता, तब तक मैं श्री मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगी। तुम्हारी सभी शर्तें मुझे स्वीकार है देवी, केवल इतना ही नहीं, प्रत्येक गुरुवार को तुम स्वतंत्र रूप से मृत्युलोक जा सकती हो। अछूत हो या ब्राह्मण, सभी तुम्हारी पूजा व फल के अधिकारी होंगे। गुरुवार के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत करेगा उसे धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। धन्य हो प्रभु। अब चलिए भी न माते, अब तो प्रभु ने भी आपकी सारी शर्तें मान ली हैं। आप नहीं जानती माते, नारी जाति के सम्मान के लिए प्रभु ने भी कुछ कम कष्ट नहीं सहे। और माते, ये सारी लीला प्रभु लीलामय की ही है। लीला? इस लीला में आप भी तो सम्मिलित हैं देवर्षि। कौन सी लीला देवर्षि? ये सब घटनाएं जो घटी हैं, वो प्रभु की इच्छा से ही तो घटी है माते। ये क्या कह रहे हैं देवर्षि? अर्थात प्रभु ने जानबूझकर इतने कष्टों को गले से लगाया? हाँ माँ, यदि प्रभु स्वयं कष्ट न सहते तो क्या एक अछूत जाति का जन्म जन्मांतर के लिए उद्धार हो पाता? प्रभु ने श्रेया के लिए जो लीला रची, उसे युगों युगों तक कोटि कोटि श्रेया अपना अधिकार और सम्मान पा सकेंगी माँ। धन्य है आप महाप्रभु, धन्य है आप देवर्षि नारद। देवर्षि, आप भी अपने प्रभु की तरह छल करने में कुछ कम नहीं है। नारायण नारायण। चलिए स्वामी, श्री मंदिर लौट चलते हैं। चलिए देवी। जय श्री जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। Thank you.
da 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 da